ये बात कल हुई होगी और बहुत दिन से हो भी रही है कि ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है ये को एग्जिस्टेंस के फॉर्म में है, और इसमें जो सारी यूनिट्स हैं वो स्पेस में सबमर्ज्ड हैं। तो जब हम इसका अपने अंदर हम क्या देखते हैं ना, ये पूरा जो रियलिटी है ये तो है, को एग्जिस्टेंस है, लेकिन हम इसको कैसे देख सकते हैं उसकी बात है इस लेक्चर में। तो अगर हम देखें तो हर यूनिट में पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पांच एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं। एक हो गया उसका फॉर्म, माने उसका रूप दिखने में कैसा है। एक हो गया उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण क्या है ना। फिर हो गया उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्या भागीदारी है दूसरी यूनिट्स के साथ में, उसका कैसी भागीदारी है, उसका इननेटनेस मींस उसका सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर, एक डिफाइंड वे में कैसे चीजें हर यूनिट फंक्शन करती है अपने अंदर, वो भी कैसे वेल डिफाइंड है, वो देखना। और फिर ये देखना कि ये पूरा जो को एग्जिस्टेंस है ये कैसे है सारी यूनिट्स का आपस में। तो ये जो पांच एस्पेक्ट्स हैं इसको हम अपने अंदर देखते हैं। तो अगर हम देखें कि हमें क्या देखना है ना, हम जब इस पूरे को देखते हैं तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे जाएंगे पिछली स्लाइड और पीछे, अच्छा इसमें नहीं है, ठीक है आगे जाइए। हाँ नेक्स्ट जी, ठीक है हाँ ये। सो अगर हम इसको देखें तो जब हम रूप और गुण की बात करते हैं तो यहाँ हमें दिखता है कि बहुत सारी वैरायटी है और बहुत चेंज हो रही हैं चीजें। तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत कुछ, बहुत एक्टिविटी हो रही है और कुछ इतना क्लियर नहीं दिखता कि ये वेल डिफाइंड है। ऐसा दिखता है कि जैसे कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कि एक जैसे अगर आप नेचर में देखो, ट्रीज में देखो, तो कोई पेड़ में कुछ फ्रूट है, कोई और पेड़ में कुछ और फ्रूट है, किसी पेड़ की पत्तियां एक प्रकार की हैं, किसी और पेड़ की पत्तियां कुछ और प्रकार की हैं, ऐसे करके ऐसे लगता है कि बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जब हम और थोड़ा गहराई में देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये जो ऊपर ऊपर का है, जो रूप है और जो गुण है जो चेंज होता रहता है, एक तो उसमें चेंज होता है, लेकिन जो इसके बेस में या जो कहें जो कंटिन्यूअस है, जो डेफिनेट है, वो जो एस्पेक्ट्स हैं जब हम उन पर ध्यान हमारा जाता है तो हम देखते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने जिसकी बात करी, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें कि एक यूनिट की दूसरे यूनिट के साथ जो भागीदारी है उसको देख पाना, इनेटनेस हर यूनिट के अंदर जो उसकी अपनी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है उसको देख पाना, और जो को एग्जिस्टेंस है, जो पूरा सबमर्जेंस है, सारे यूनिट्स स्पेस में सबमर्ज हैं, उसको देख पाना, ये पॉसिबिलिटी हमारे अंदर है जब हम अपनी जो हायर एक्टिविटीज है उसके प्रति सजग हो जाते हैं। तो जब हम अपने जो अपने अंदर एक्टिविटी ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है इस क्रिया को जागृत हो जाते हैं, तो फिर हमें
अपना संबंध हर यूनिट के साथ, हर इकाई के साथ दिखाई देने लगता है। हमारी रिलेटेडनेस हर यूनिट के साथ हमें दिखने लगती है, और उसके तहत हमें अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो भी दिखती है, क्योंकि हमें दिखता है कि हर यूनिट में कैसे भागीदारी हो रही है, हर यूनिट दूसरे यूनिट के साथ कैसे भागीदारी कर रही है। तो फिर हमें भी अपना रोल क्लियर हो जाता है, हमें वो क्लैरिटी आ जाती है कि हमारा क्या रोल है, हमारा क्या पार्टिसिपेशन है, हमारी क्या भागीदारी है। जब हमारा हम ये जो एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसके प्रति सजग होते हैं, तो इसके तहत हमको ये पूरी सृष्टि के, ये पूरी एग्जिस्टेंस में जो हर यूनिट में एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, एक वेल डिफाइंड तरीके से जैसे चीजें चल रही हैं वो हर यूनिट में दिखाई देता है, और साथ ही साथ ये दिखता है कि ये सारी यूनिट्स आपस में भी जो भागीदारी कर रही हैं उसमें भी एक वेल डिफाइंड हार्मनी है, एक लय है, और उसके तहत फिर ये जो हार्मनी है हम अपने में भी देख पाते हैं और बाकी की यूनिट्स में भी देख पाते हैं। और कैसे हम अपने अंदर हार्मनी में रहते हुए दूसरे यूनिट्स के साथ भागीदारी करते हुए हार्मनी को बनाए रह सकते हैं वो दिखाई देता है। और जब हम अल्टीमेटली जो रियलाइजेशन की एक्टिविटी है वहां तक पहुंचते हैं तो हमें पूरा सबमर्जेंस दिखने लगता है, पूरी जो यूनिट्स हैं वो कैसे इस स्पेस में भीगी हुई हैं, डूबी हुई हैं, वो दिखने लगता है। तो फिर हमें ये दिखाई देता है कि यही वो बेसिस है जिसके तहत ये पूरा जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, जो हार्मनी हम देख रहे थे, जो हम रिलेटेडनेस की बात कर रहे थे, वो ऐसा ही है क्योंकि ये सबमर्जेंस है, ये कोएग्जिस्टेंस है ही। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रिलेशनशिप की, संबंध की, हार्मनी की, कोएग्जिस्टेंस की, ना, जो हम ये हायर एक्टिविटीज से देखते हैं, इनमें हमें दिखाई देता है कि डेफिनेटनेस है, कंटिन्यूटी है, ये बदलती नहीं रहती, इसमें कुछ चेंज नहीं हमें दिखता रहता, वैरायटी और चेंज और ये जो रूप गुण में दिखता रहता था वो चेंज ऐसा नहीं दिखता, ये वेल डिफाइंड है। सो हम जब बोलते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग, जब हम ये हायर एक्टिविटीज को अवेकन हो जाते हैं और जब हम उस पर ध्यान दे पाते हैं तो हमें ये बहुत एक अश्योरेंस होता है अपने अंदर कि ऐसा ही है, कुछ रैंडमली सडनली कुछ ऐसा नहीं हो जाता जिससे कि प्रॉब्लम होगी, हमें हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये चीजें ऐसे ही चलती है रहती हैं। सो ये जो है इस एसेंस को देख पाना, इसी को राइट अंडरस्टैंडिंग कहा, सीइंग दैट जो कि डेफिनेट है, जो कि कंटिन्यूस है, जो कि यूनिवर्सल है। दीदी जो भी बात चल रही है कि फॉर्म प्रॉपर्टी, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनहेरेंटनेस और कोएग्जिस्टेंस, इनको देखना है, तो अगर एग्जांपल के रूप में हम पोटैटो को ले लें तो उसकी फॉर्म में आती है कि फॉर्म उसकी जो शेप है, साइज है, वो तो दिखता है आंखों से, प्रॉपर्टी के बारे में बहुत क्लियर नहीं है, और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखती हैं, जैसे कि उसका काम है पोषण करना, एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी को पोषण करना। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देख पा रहा हूँ, और सबमर्जेंस कैसे उसमें देखेंगे इसका थोड़ा सा अभी देखने में असुविधा हो रही है, तो वो थोड़ा सा। तो प्रॉपर्टी को जब हम देखेंगे तो जैसे पोटैटो है या केला है या कोई भी फल सब्जी जो आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट जैसे अपना ह्यूमन बॉडी के ऊपर अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप केले को देखेंगे तो अगर वही केला हम सुबह के टाइम खाते हैं तो उसका शरीर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, एक
शरीर को पुष्ट करता है, नर्चर करता है। वही केला अगर हम दोपहर में खाते हैं तो उसका जो नर्चरिंग क्वालिटी है शरीर के प्रति वो इतना नहीं होता, और वही केला अगर हम रात में खाते हैं तो वो शरीर को नुकसान भी कर सकता है। तो ये आपने देखा कि प्रॉपर्टी है उसकी, लेकिन वो चेंज हो गई, जैसा दिन बीता ये चेंज हो गया। तो ऐसे करके हर चीज का एक जो गुण होता है वो बदल सकता है। ये बात क्लियर हुई प्रॉपर्टी की? जी दीदी। फिर आपने कहा जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको समझ में आया ना, जी पार्टिसिपेशन का। इननेटनेस अगर देखें, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, तो चाहे आप केला ले लो, चाहे आलू ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, तो एक निश्चित तरीके से उसका जो पूरा पौधा है वो बढ़ता है, और उसमें जो फल आता है, जैसे जो आलू आता है, वो एक एक हमेशा से वैसे ही आता है, माना उसका सडनली कुछ और फ्रूट नहीं बन जाता ना, वेल डिफाइंड वे में, एक बहुत ही निश्चित ढंग से उसके अंदर जो भी आप क्वालिटीज जो आप देख सकते हैं वो जैसे उसका स्किन इस टाइप का होता है, जे उसका उसके अंदर जो जो पूरा फॉर्मेशन है, कैसे वो फॉर्म हुआ, जो पौधा आपने लगाया उसमें कैसे वो रिकग्निशन फुलफिलमेंट के साथ वो पूरा पौधा बड़ा हुआ, ये आलू लगे या जो भी फ्रूट या किसको भी देखें अगर, तो उसमें दिखेगा कि ये एक बहुत निश्चित ढंग से हो रहा है, सडनली कुछ चेंज नहीं हो जाता। हमने पपीते का पेड़ लगाया उसमें आम नहीं आ जाता, ऐसे करके कुछ रैंडम नहीं हो जाता, एक बहुत ही निश्चित ढंग से हो रहा है ना, ये उसका इननेटनेस है, उसी तरीके से होता है। जी। अब आई बात कोएग्जिस्टेंस की या सबमर्जेंस की, तो जब हम ये देख पाते हैं कि ये पूरा जो सारी यूनिट्स हैं, पूरे ऑर्डर्स हैं, ये सब यूनिट्स स्पेस के अंदर सबमर्ज्ड हैं, अगर हम ये देख पाते हैं, जब हम ये देख पाते हैं तब हमें ये रियलाइज होता है कि इसीलिए ये संबंध भी है, इसीलिए ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसीलिए ये सब इतना वेल डिफाइंड है, क्योंकि स्पेस में रहते हुए ये पूरी एबिलिटीज इनमें है। तो वो हम तब देख पाएंगे जब हमें ये पूरी रियलिटी जैसी है वैसी दिखेगी। ठीक है ये बात? जी दीदी। तो इसको ऐसे कह सकते हैं दीदी, जैसे जो आलू के अंदर कुछ चीजें हैं तो वो भी यूनिट्स ही हैं, और वो यूनिट्स एनर्जाइज तो हैं, जैसा पहले बात की है कि वो स्पेस में रहते हुए एनर्जाइज्ड हैं, और हर एक के बीच में एक संबंध है ही, उस संबंध का निर्वाह करते हुए वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। जी, हर किसी भी अब जैसे आलू में भी बहुत सारे सेल्स होंगे ना, अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो बहुत सारे सेल्स होंगे, प्लांट सेल्स है ना। जी जी। हर एक सेल का अपनी अपनी एक सेल्फ ऑर्गेनाइज तरीके से वो उसके अंदर एक्टिविटी दिखेगी, और ये सारे सेल्स के आपस में भागीदारी होते हुए ये आलू बना ना, वो भी एक बहुत ही वेल डिफाइंड वे में होते ही जा रहा है, तो वो वैसा ही फ्रूट बनता है हर बार, है ना। जी दीदी, यही सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है। जी जी जी, धन्यवाद दीदी, नमस्ते सब। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो सबमर्जेंस है जो अभी हम बात कर रहे थे, जब हम एक्टिविटी ऑफ रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं, जब हम अवेकन होते हैं अपने अंदर जो अनुभव की क्रिया है उसको, तो फिर हमें ये सबमर्जेंस दिखने लगता है। तो ये ना पूरा ऐसा क्यों है वो समझ में आने लगता है।
तो ये जो हमने बात कही जो फॉर्म और प्रॉपर्टी की, फॉर्म या रूप, तो इसको हम अपने जो नीचे की क्रियाएं हैं उससे देख पाते हैं। सिलेक्टिंग टेस्टिंग वाली जो क्रिया है, जो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स से जुड़ी हुई है, बॉडी के सेंस ऑर्गन से, तो जब हम जैसे आंखों से कुछ चीज देखते हैं या हाथ में लेके कुछ चीज फील करके उसके बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं, ये चीज हम फॉर्म या जो उसका रूप है उसके लिए एक आइडिया बन जाता है हमारे को, उसका कैसा शेप है, उसका कितना बड़ा है, छोटा है, उसका कलर कैसा है, ये चीजें हम ये जो अपनी लोअर मोस्ट क्रिया है उससे देख पाते हैं। जब हम गुण की बात करते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा और अवेकन होना पड़ता है उसके लिए। तो जो ये जो B2 ब्लॉक की जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी है, विचार की, एनालाइजिंग कंपेयरिंग की, उसमें हमें ये दिखता है कि एक यूनिट का दूसरे यूनिट के ऊपर क्या असर हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल, कोई आपने बर्तन रखा गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, आग के ऊपर, वो बर्तन गर्म हुआ। अब ये एक यूनिट का, आग का बर्तन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे करके ये प्रभाव हमें दिखता है, या जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया केले का या ना जो भी फल का, तो उसका असर अलग अलग समय पर कैसे अलग अलग होता है ये दिखता है। ये गुण की बात ना, ये जब हम अपने विचारों में इसको सॉर्ट ऑफ उसको चलाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमें ये गुण भी दिखाई देने लगते हैं। फिर रही बात आगे की, नेक्स्ट स्लाइड, जी बोलते हैं हमें दिखता है, तो हमें क्या दिखता है वो डिपेंड करेगा कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू हम देख रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ अपने वो लोअर मोस्ट एक्टिविटी के थ्रू देख रहे हैं, सिलेक्टिंग टेस्टिंग के थ्रू, तो हमें ये जो या सेंसेशन जिसको कहते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ना आंखों से, या जो अभी बात हो रही थी, उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, ये सेंस ऑर्गन्स भी यूज कर रहे हैं, प्लस सेल्फ में अपने अंदर सिलेक्टिंग टेस्टिंग वाली क्रिया यूज हो रही है, उसके तहत हम कुछ अनुमान लगाते हैं। तो इसको हम फॉर्म को हम वैसे देख पाते हैं और थोड़ा बहुत गुण भी देख पाते हैं। बट गुण के लिए जो हम रैशनल यूज करते हैं, जो लॉजिक यूज करते हैं, जो आगे पीछे कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके थ्रू हमें अलग अलग यूनिट्स के गुण दिखाई देते हैं। लेकिन जो आगे के हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जैसे कि भागीदारी है, जैसे कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सबमर्जेंस है, ये जो है ये हमें बॉडी के थ्रू नहीं दिख सकते, ये और सटल है, ये और सूक्ष्म है, तो ये हमें सेल्फ के थ्रू ही दिख पाएंगे। तो सेल्फ में जैसे जैसे हम अपनी ऊपर की क्रियाओं के प्रति जागृत होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें ये दिखने लगते हैं। और यही एसेंस है, यही बेस में जो कंटिन्यूअस है, जो अनचेंजिंग, ये जरूरी है देखना, क्योंकि फॉर्म प्रॉपर्टी तो बदलता रहेगा, उससे फिर हमें एक पूरी जो जो देखने की क्रिया है वो हमें एक छोटा सा पार्ट ही दिखता है, लेकिन जो बेस में पूरा जो
जो डेफिनेट है वो पार्ट हमें दिखता नहीं, तो फिर हम एक जो अजम्पशन बना लेते हैं, एक जो हम अनुमान बना लेते हैं पूरी सृष्टि का, वो काफी गलत हो सकता है, क्योंकि हमने जो बेस में डेफिनेट है, जो कंटिन्यूस है, जो यूनिवर्सल है, वो तो हमें दिखाई नहीं, हमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर का जो कैसा वो दिखता है उसका क्या गुण है। तो आज के दिन देखें तो हम लोग का फोकस वही रहता है रूप और गुण पे, लेकिन उसके बियॉन्ड जाना है और ये देख पाना कि हर चीज, हर इकाई का ये जो भागीदारी है वो कैसे हो रही है ना, उसके बारे में थोड़ा चिंतन करना। ये जो पूरा हर यूनिट का सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शन करना, ये कैसे हो रहा है उसको समझना। फिर जो ये पूरा सबमर्जेंस है, ये पूरा जो यूनिट्स हैं वो कैसे एक साथ ये पूरा स्पेस में सबमर्ज्ड हैं, डूबे हुए हैं, और इसकी वजह से ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, जो संबंध है, जो हम देख पा रहे हैं, जो हर इकाई एक दूसरी इकाई के साथ जो भागीदारी कर रही है, ये पूरा पैटर्न, ये पूरा डिजाइन क्यों है ऐसा, वो हम देख पाते हैं जब हम खुद अनुभव कर पाते हैं कि ये स्पेस है और ये यूनिट्स हैं और हम सब इसी में डूबे हुए हैं, इसी में सबमर्ज्ड हैं, ये रियलाइजेशन होना। तो आगे पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक हैंड रेज्ड है। अभी एक दिन मैं सर के पास बैठा था कानपुर में, तो चार शब्द सर ने बोले। एक तो ये है कि बोले ऊर्जा संपन्नता बनी हुई है, तो ऊर्जा संपन्नता का दिख जाना। दूसरा ये है कि ज्ञान संपन्नता बनी हुई है, तो ज्ञान संपन्नता का दिख जाना। तीसरा ये है कि व्यवस्था संपन्नता बनी हुई है, तो व्यवस्था का दिख जाना। एक एक यूनिट के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था है, ये दिख जाना। चौथा ये है कि भागीदारी संपन्नता बनी हुई है, तो भागीदारी संपन्नता का दिख जाना। तो अभी जो चर्चा चल रही है, ये जैसे जैसे हमें संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व दिखेगा, तो वैसे वैसे हमको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी कि हमें हमारा स्थान कहाँ है। तो हम सभी के साथ है, फिर भागीदारी कर पाएंगे, सभी के साथ संबंध देख पाएंगे, और हम सह अस्तित्व में जो ऊर्जा, जो सब कुछ ऊर्जित है, उस ऊर्जा को भी पहचान पाएंगे। ठीक, तो यही बात मैं शेयर कर रहा था। जी बिल्कुल जी, वैसे जैसे हम इसके बारे में और चिंतन करते हैं वैसे वैसे हमें और दिखाई देने लगता है। ठीक जी, जैसे अगर नेचर में भी देखें अपन, तो नेचर में एक एक फल किस प्रकार से बन रहा है, किस प्रकार से नीचे से ऊपर उसका पूरा सिस्टम से एक मतलब फूड जा रहा है, या सारी व्यवस्था जा रही है, पानी जा रहा है, कैसे बसंत में सभी पत्ते एक साथ जो है वो हरे हो जा रहे हैं। तो ये सब जब दिखता है तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था दिखती है ना। सह अस्तित्व में बहुत सी चीजें किस प्रकार से ऊर्जित बनी हुई हैं वो भी दिखता है, और मानव मानव के बीच भी संबंध, मानव और शरीर के बीच भी जो संबंध है वो भी स्पष्ट होता है। यही कह रहा था दीदी जी। जी बढ़िया, ठीक ठीक। तो अभी अगर हम देखें तो हमारा जो सिस्टम ऑफ नॉलेज है, हम लोग ज्यादा ध्यान रूप गुण पे देते हैं। तो जैसे हमने कोई पेड़ है उसको देखा और हमने उसको एक नाम दे दिया, उसका रूप देखा और उसको एक नाम दे दिया कि ये तो आम का पेड़ है, तो हमें लगता है हमें पता चल गया उसके बारे में। अभी तो ऐसे ही है ना, या इसका ये फल निकला तो हमने कहा ये इसका फल है और हमें लगा कि हम जान गए इस इकाई को, लेकिन हमने तो सिर्फ उसका रूप देखा, अभी तो हमने गुण की भी बात नहीं करी। अक्सर ऐसे होता है, हम चिड़िया देखते हैं बाहर, तो हमने चिड़िया देखी, बहुत खूबसूरत लगी, तो हमें उसका जो रूप है वो पसंद आया, और
उसका रूप देख के हमने उसका नाम ले लिया कि ये बुलबुल है या ये कौवा है या जो भी चिड़िया है, ये कोयल है। तो हमने कहा हमें पता है ये चिड़िया क्या है, लेकिन हमने तो सिर्फ उसका रूप के बारे में देखा, हमने आगे तो कुछ भी नहीं देखा उसके बारे में। तो ऐसा हम देखेंगे कि अभी हम लोग का ध्यान शिक्षा में उस ओर पे है कि हम रूप देखते हैं, हद से हद गुण थोड़ा देखते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड हम बात नहीं करते। तो जो अभी बात हो रही थी, जो भगवान सिंह जी कह रहे थे, ये सब जो भागीदारी है, जो व्यवस्था है, जो सहअस्तित्व है, इसके बारे में समझ पाना, इसको देख पाना, ये पॉसिबिलिटी है हम में। लेकिन जब तक हम बाहर ध्यान देते रहेंगे तो हम ये देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शरीर के थ्रू, शरीर के सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें नहीं दिख पाएगा। इसको देखने के लिए हमें अपने अंदर देखना होगा, अपने अंदर की क्रियाओं को जागृत करना होगा। और जैसे जैसे हमारे अंदर की क्रियाएं जागृत होंगी, वैसे वैसे हमें ये सब दिखने लगेगा। जैसे हमारे अंदर चिंतन की क्रिया जागृत होगी, हमें संबंध दिखने लगेगा, रिलेशनशिप, कैसे हम हर एक दूसरी इकाई के साथ रिलेटेड हैं और हमारी उसमें क्या भागीदारी है इंटरेक्शन में, वो उस पर हमारा ध्यान जाता है। जब हम ये बोध की क्रिया को जागृत होते हैं तो हमें ये जो पूरा, जैसे अभी बात हो रही थी, हर एक यूनिट के अंदर जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, एक व्यवस्था का व्यवस्थित ढंग से सब हो रहा है, वो दिखता है। और ये पूरी यूनिट्स जब आपस में, ये सारी इकाइयां मिलके जब आपस में भागीदारी करते हैं, उनमें भी कैसी एक व्यवस्था से, एक लय से चीजें हो रही हैं, वो दिखाई पड़ता है। एंड अल्टीमेटली जब हम अनुभव की क्रिया को जागृत होते हैं तो हमें ये पूरा सबमर्जेंस दिखने लगता है। हम भी एक छोटी सी इकाई है इसमें, और ये पूरी इकाइयां जो हैं, ये व्यापक वस्तु में डूबी हुई हैं, ये दिखता है। तो यहां तक पहुंचना है, इससे कम में बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, अनुभव तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये पूरा जो बेसिस है कि ऐसा ही है और ऐसा क्यों है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। और जब तक वो पूरी तरह क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक वो पूरी तरह समझ नहीं बनेगी, तब तक वो हमारे जो व्यवहार है उसमें एक निश्चित ढंग से, एक डेफिनेट ढंग से नहीं आएगी। तो इस पर अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ ऑब्जर्वेशन है तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये तो वही बात हो गई जो अभी बात हो रही थी, कि हमारे सिस्टम में अभी जो नॉलेज, जो शिक्षा हम दे रहे हैं, उसमें हम सेंसेशन, जो हमें जो दिखता है शरीर के थ्रू, उस पर फोकस है, उस पर हमारा ध्यान गया है। और जो बॉडी और लोअर एक्टिविटीज हैं, टेस्टिंग सिलेक्टिंग है या एनालाइजिंग कंपेयरिंग है, विचार के लेवल पे है, या इवन जो हमें ना पूरा B2 ब्लॉक में जो दिखाई दे रहा है, तो हमें सिर्फ इतना ही दिख पा रहा है, जो उसका रूप और थोड़ा सा उसका गुण। लेकिन ये जो हायर एक्टिविटीज के थ्रू जो पॉसिबिलिटी है, जो पूरा उसका एसेंस है, जो पूरा डेफिनेट पार्ट है, यूनिवर्सल है, वो पार्ट हम नहीं देख पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये सब जो हायर एक्टिविटीज हैं अपनी, उनके प्रति जागृत होना पड़ेगा और ऑल द वे रियलाइजेशन तक जागृत होना पड़ेगा। और अगर ये नहीं दिखता है हमको, तो फिर हम कुछ मान लेते हैं, पूरा ये जो
सहस्तित्व है वो हमें दिखता नहीं, तो हम ये पूरे एग्जिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं। तो फिर हम ये सब बातें करते हैं कि ना स्ट्रगल है सर्वाइवल के लिए, कि हमको ऐसा ही चलेगा पूरा टाइम, हम एक हार्मनी या व्यवस्था तो नहीं दिखती हमें, तो ये दिखता है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, क्योंकि हम वो जो ऊपर का पार्ट है सिर्फ उतना ही देख पा रहे हैं, जो रूप है और जो थोड़ा सा गुण है बस उतना ही देख पा रहे हैं, उसके नीचे जो पूरा एसेंस है वो तो हमने मिस कर दिया। तो इसलिए फिर हम अपना संबंध भी नहीं देख पाते औरों के साथ। तो आज के दिन इतनी बड़े बड़े देशों में इतना ये बातें हो रही हैं न्यूक्लियर वॉरफेयर की, अगर हम अपना संबंध देख पाते तो हम ये सब बातें तो ना करते। हम ये देख पाते कि सबका इंटेंशन तो प्योर है, सभी चाहते तो वही हैं ना, सुखी होना, और सुखी रहते हुए औरों के साथ अपने व्यवहार में अपनी भागीदारी में वो सुख को शेयर करना। तो ये अगर दिखता नहीं है तो फिर हम अपने अंदर कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं, हम अपने आप को अलग अलग देखते हैं, सब अलग यूनिट्स हैं ऐसा हम देखते हैं, क्योंकि हम जो बॉडी के सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आंखों के थ्रू जो हमें दिखता है तो हमें ऐसे दिखता है कि जैसे दो इकाइयों के बीच में कुछ गैप है, तो हमें लगता है ये इकाई एक है, वो इकाई अलग है, वो दूसरी है, इन दोनों में कुछ संबंध नहीं है, ऐसा हमें दिखता है जब हम सिर्फ रूप गुण को देख रहे हैं। लेकिन जब हम इसके बियॉन्ड चिंतन की क्रिया को जागृत होते हैं और हमें ये दिखता है कि संबंध है, तो फिर हमें ये दिखाई देता है कि ये जो है अलग दिखते हुए भी आपस में संबंध रखती हैं सारी इकाइयां, और इनकी आपस में भी भागीदारी है ही। एंड ये जो हम ऐसा दिखता है कि ये जो इकाइयां हैं ये अलग अलग हैं, ये जो गैप है इसको भी जब हम अनुभव की क्रिया तक पहुंचते हैं तो हमें दिखता है कि ये गैप ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये पूरा जो कोएग्जिस्टेंस है इसमें यही है कि ये सारी इकाइयां आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये व्यापक वस्तु के थ्रू कनेक्टेड है, ये पूरा जो सहस्तित्व है ये है ही ये कि ये सारी यूनिट्स हैं, मतलब सारी इकाइयां हैं और ये सारी व्यापक वस्तु में डूबी हुई हैं और इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे ये अलग अलग इकाई नहीं है, तो जो हम पहले देख रहे थे कि ये सब इकाइयां अलग अलग हैं, इनका एक का दूसरे से वास्ता नहीं, इसीलिए हम ये सब सोच सकते हैं कि एटम बॉम्ब बना दिया, कुछ बॉम्ब बना दिया, न्यूक्लियर वॉरफेयर कर लिया, तो दूसरे देश में इतनी सारी हानि हुई, इतने लोगों की जान गई, वो सब हम प्लानिंग इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो अलग हैं, हमसे उनका कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर हम देख पाते कि ये संबंध है ही और हम सब कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये कभी भी ना ये पूरा देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। तो वो इसलिए एसेंस देखना बहुत जरूरी है। जी दीदी, बढ़िया चर्चा चल रही, बिल्कुल कुमार भैया जैसे बताते वैसे आप समझा रही हमें, एग्जांपल भी वही है। कल भी मैंने कुछ प्रश्न किया था इसके ऊपर। तो दीदी, अभी जो ये स्लाइड के सामने लगा हुआ है कि हम ये चाहते और ये नहीं चाहते हैं, तो दीदी अभी मैं यहाँ तक ये समझ पा रहा हूँ कि एवरीबडीज सेल्फ, सबका जो सेल्फ है, मैं भी हूँ, तो हमें हमेशा मतलब निरंतर सुख में रहना चाहता हूँ, और ये सभी की भावना है अपने डिस्कशन से लग रहा है। फिर उसके बाद भी अपोजिशन, कॉन्ट्रेडिक्शन या वार, ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? दीदी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे प्लीज। जी, वही बात हो रही है कि हमें वो दिखता नहीं ना। अभी क्या है
अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना हाथ ऊपर करके देखो, जी अब अपना हाथ ऊपर करके देखा तो आपको क्या दिखा कि आपका हाथ का एक आउटलाइन है, दिखा ना? जी 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 करके देखा, उंगलियां हैं वो आउटलाइन दिख रही है जी। अब के बियॉन्ड आपको क्या दिखता है? खाली जगह दिखती है ना, स्पेस दिख रहा, मतलब जो आकाश है उसके तरफ हाथ उठाया है मैंने, तो यह स्पेस है। स्पेस तो बहुत सूक्ष्म है, वो देखना आंखों के थ्रू तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ गैप तो दिखता है, वो तो नजर आता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें एटम्स टू एटम के बीच में गैप होते हैं, भले ही अपने को दिखते वक्त वो क्लोज दिखते हैं लेकिन उसमें गैप है। हाँ, तो अगर हमें ये ऐसा दिखता है कि ये मेरा हाथ है, और जो भी आउटलाइन के बाहर है उसको मैं कहती हूँ ये मैं नहीं हूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना हम? जी 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 जी, शरीर यहाँ तक है, इसके बियॉन्ड नहीं है, ऐसे ही बोलते। दूरी देखता हूँ ना, दूरी देख पाता हूँ मैं, वही दूरी, मतलब इन द सेंस एक जैसे आप खड़े हैं और अगर मैं थोड़ी दूरी पे खड़ी हूँ तो हमें दिखता है कि ये आप एक इकाई हैं, मैं एक और इकाई हूँ, है ना, और इन दोनों के बीच में कुछ दूरी दिखती है। जी बिल्कुल ठीक है ना। तो अभी हमें क्या लगता है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। कोई सड़क पे बंदा जा रहा है तो मुझे लगता है मेरा इससे क्या लेना देना, बिल्कुल बिल्कुल वो तो लगेगा ही ना जी। तो वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर की परत देख रहे हैं, अंदर क्या है वो हमें दिख नहीं रहा, सेल्फ के लेवल पे हम देख नहीं रहे। अगर हम सिर्फ जो शरीर से आंखों से देख रहे हैं उसके बियॉन्ड देखें, हम अपने अंदर झांके, अपने अंदर अपने सेल्फ में हमारी जो जो ऊपर की क्रियाएं हैं उनके प्रति जागृत हों, तो हमें ये दिखेगा कि सब सेल्फ्स जो हैं वो सिमिलर हैं। जी और बिल्कुल, ये जो पूरा कोएग्जिस्टेंस है इसमें हरेक इकाई का हरेक दूसरी इकाई के साथ संबंध है ही और भागीदारी है ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम कैसे फर्क हो गए, हम भी तो इसी का ही एक पार्ट है। तब हमें दिखने लगता है कि हमारा भी संबंध हरेक इकाई के साथ है ही, तो जो बाहर चल रहा था सड़क पे उसके साथ भी मेरा संबंध है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, न्यूक्लियर वॉरफेयर के बारे में सोच रहा है उसके साथ भी मेरा संबंध है ही, भले मैं देखूं ना देखूं बट संबंध तो है। क्यों है संबंध? क्योंकि जब हम अनुभव की क्रिया को जागृत होंगे हमें दिखेगा कि हम सब एक साथ ही हैं, एक ये पूरी व्यापक वस्तु में डूबे हुए हैं। तो हमारा व्यापक वस्तु में होते हुए ये पूरा जो सहस्तित्व है उसके पार्ट होते हुए हमारा संबंध है ही जी। और ये व्यवस्था है ही। तो वो जब दिखने लगता है तब हमें ये समझ में आता है कि हम अलग थलग नहीं हैं, हम सब एक दूसरे से संबंधित हैं ही, और हमारे को अपनी भागीदारी समझ में आती है। जब तक वो नहीं दिखेगा तो हम एक दूसरे को अलग ही मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, वही वही तो चल रहा है अभी, जो चल रहा है वो वही है फिलहाल, सारा प्रॉब्लम है। तो हम लोग को सबको वो जो ऊपर की क्रियाएं हैं अपने अंदर उनके प्रति जागृत होना पड़ेगा। तो अपना जो सिस्टम है शिक्षा का अभी जी, उस पर इतना ध्यान नहीं देता है, बस, अभी बस, तो हम वही रूप गुण पर फंसे हुए हैं ना, इसलिए हमें वो संबंध भी नहीं दिखता। तो धीरे धीरे जैसे हम, जैसे अभी जो UHV वर्कशॉप्स के थ्रू कोशिश हो रही है कि हम पूरे एजुकेशन में इसको एक फाउंडेशन कोर्स की तरह ले आए। एग्जैक्टली वही तो चल रहा है अभी, हम लोग जो लगे हुए हैं सभी, पूरा AICT जो कर रही है वो वही है जी दीदी। तो उसी के तहत फिर सारे जो हर एक बच्चे को ये एटलीस्ट ये अपॉर्चुनिटी तो मिले कि वो उसको समझ पाए, देख पाए ना, एटलीस्ट उसको एक विचार के तौर पे, इंफॉर्मेशन के तौर पे, सूचना के तौर पे वो चीज जाए, ताकि वो उसके ऊपर अपना खुद से एक्सप्लोरेशन कर पाए, खुद में जांच के देख पाए, समझ पाए। एटलीस्ट वो बिल्कुल, एक अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए, एक संभावना तो बने, है ना, जी, उसी के लिए सारा काम है।
तब फिर हो सकता है कि एक दिन हरेक को हरेक के साथ संबंध दिखाई देगा के साथ समझे और फिर ये सब न्यूक्लियर वॉरफेयर और ये सब की बातें नहीं होंगी। हाँ, वो जो स्लाइड में लिखा है लास्ट लाइन वही है कि हम वो ये सारा निग्लेक्ट कर रहे हैं इसलिए ये हो रहा है। तो दीदी मेरा फाइनली एक मिनट लेके बताता हूँ कि ये मेरा मानना है कि थोड़ा सा टेक्निकल वो बच्चे को नहीं समझा तो चलेगा, वो स्टाफ ने थोड़ा नहीं बताया तो चलेगा, मतलब वो सेल्फ एक्सप्लोर कर लेगा, लेकिन ये जो वैल्यूज है, ये जो ये चू हम पढ़ रहे हैं, ये लेकिन हर एक स्टाफ ने हर बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। क्या दीदी मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए स्किल्स की भी अपनी इम्पोर्टेंस है ही। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, क्योंकि हर एक का जो स्किल डेवलप होगा उसके बेसिस पे हम अपनी भागीदारी निभा सकते हैं अच्छे से, है ना जी। किसी को कंप्यूटर्स में स्पेशलाइज करना है, किसी को बायोमेडिक्स में देखना है, किसी को ना हेल्थ का देखना है, तो हर एक की भागीदारी अलग अलग ढंग से हो पाएगी। तो स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर स्किल्स के बेस में वैल्यूज नहीं है तो वही डॉक्टर जो हेल्थ के लिए काम करना चाह रहा था वो कहीं और उसका फोकस हो जाता है, पैसे बनाने में लग जाता है किसी भी ढंग से, है ना जी। बिल्कुल, वैल्यूज का होना जरूरी है बेस में, स्किल्स भी जरूरी हैं बट वैल्यूज के साथ। जी तो जी बढ़िया दीदी, आपने बहुत सही बता दिया। और अभी ये कॉलेजेस में जो चल रहा है, फिर भी मैं वही बोलूंगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम टेक्निकल पढ़ाते हैं वही जरूरी है, यूएचवी अपने आप सीख जाएंगे। तो मेरा हमेशा उनको ये रहता है कि ये अपने आप सीखने की बात ही नहीं है, हमको ही अभी पूरा यूएचवी समझ में नहीं आया तो बच्चों को कैसे समझेगा। जी दीदी बराबर है, ठीक बात है। एटलीस्ट ना एक किसी तरह से इन्फॉर्मेशन तो जाए, सूचना जाए, उसके बाद वो एक्सप्लोरेशन अपने अंदर कर सकते हैं। राइट। एक बार अपने अंदर वो डायलॉग शुरू हो जाए फिर आगे बात बन सकती है। अभी देखे ना, हमने ये क्यों चालू हुआ, 2-3 साल पहले तो हमको भी, हमने डॉक्टरेट कर ली, प्रोफेसर बन गए, सब हो गया, लेकिन हमको यूएचवी क्या है मालूम ही नहीं था, हमको सेल्फ और बॉडी में डिफरेंस क्या है मालूम ही नहीं था, अभी अभी तो पता चलने लग गया। और अभी भी कहाँ पता चले, हम तो एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। जी दीदी नमस्ते, बहुत अच्छा डिस्कशन था, धन्यवाद जी दीदी। कुछ और हैंड्स रेज हैं, मैं सोचती हूँ नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लें तो वही बात हो रही है उसमें भी। नेक्स्ट स्लाइड खोल लें जी। तो यही जो बात हम अभी कर रहे थे कि हमें जो शिक्षा का डायरेक्शन है उसको थोड़ा ठीक करना होगा, ताकि हम ये देख पाए एक तो कि सिर्फ रूप गुण से काम नहीं चलेगा, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है जानने का। अभी हम रूप गुण देख लेते हैं तो हमें लगता है हम जान गए चीज को, इकाई को जान गए, और हम उसके बारे में सब कुछ अपने अनुमान से बोलते जाते हैं आगे। लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षा में इसको लाएंगे, जैसे जैसे हर बच्चे को ये अवसर मिलेगा कि हम इस चीज इस बात को सुन पाए, कम से कम उस पर विचार कर पाए, उसको अपने अंदर अपनी सहज स्वीकृति के तहत उसको जांच कर देखें, है ना, उसको वेरीफाई करें और उसे जी कर देखें, एटलीस्ट ये अवसर तो होगा सबके पास। और फिर जैसे जैसे हम अपनी ऊपर की क्रियाओं की तरफ जागृत होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें ये सब दिखने लगेगा अपने आसपास। और जो आज के दिन जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सब हम सुलझा सकते हैं आसानी से। कुछ जो हैंड्स रेज्ड हैं वो ले लेते हैं। दीदी मैं कह रही थी अपन ऐसा कह सकते हैं ना, जैसे हमने कहा संबंध तो हमारा सभी के साथ है ही, तो क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि जैसे हम एक परिवार, एक हम अपने घर में रहते हैं तो घर में सब अपनी अपनी रहते हुए जिम्मेदारी निभाते हैं, घर के सब सदस्य एक दूसरे को समझते हैं, अपना किसी को कुछ हो जाता है तो अरे ये क्या हो गया, जैसा अभी चल रहा है, तो ऐसे ही हम इस पूरे एग्जिस्टेंस को अपना घर समझ सकते हैं। तो जब उस घर में रहने वाले सभी हमारे अपने हैं, फिर वहां पर सबकी अपनी अपनी भागीदारी है, तो क्या दीदी ऐसा सोचना सही है? बिल्कुल ठीक बात है ना। अभी हम बात भी वो करते हैं ना कि अभी हमें अपना परिवार, मतलब अपना छोटा सा परिवार ही दिखता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने परिवार का दायरा बढ़ाते जाते हैं तो समाज भी हमें एक बड़ा परिवार दिखता है। ऐसे ही हम समाज के बाहर भी बढ़ाते जाएं अपना देखने का
ना, पर्सपेक्टिव हमारा जैसा चेंज होते जाता है तो हमें दिखेगा कि पूरा एक विश्व परिवार भी हो सकता है और वो संबंध है ही। तो उसके तहत फिर हम ये पूरा ना ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी और पूरी जितनी भी इकाइयां हैं पूरे और दूसरे ऑर्डर्स के साथ भी, सबके साथ हमें अपना संबंध दिखने लगता है। तो वो तो है ही, जैसे हम अभी अपने परिवार में एक दूसरे के साथ संबंध देखते हैं, और इनफैक्ट परिवार में भी अक्सर हम पूरी तरह नहीं देख पाते हैं संबंध को। जब परिवार के सदस्य हमारी बात से सहमत होते हैं तो हमें अपना संबंध दिखता है उनके साथ, जब वो हमारी बात से सहमत नहीं होते तब उस समय क्या हमें अपना संबंध दिखता है उनके साथ, या उस समय हम विरोध में आ जाते हैं, वो भी एक देखने वाली बात है। लेकिन इसके बियॉन्ड जाना और अपने परिवार को का जो बाउंड्री है उसको एक्सटेंड करना, उसको उसका दायरा बढ़ाना, वो जैसे जैसे हम हमें संबंध दिखने लगता है वैसे वैसे हमारा वो दायरा बढ़ते जाता है, वो बाउंड्री बढ़ते जाती है, आगे बढ़ती जाती है, जब तक कि कोई बाउंड्री नहीं रह जाती। मतलब हर एक दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ, हर एक दूसरी इकाई के साथ, हर एक ऑर्डर की इकाई के साथ हमें अपना संबंध दिखने लगता है, वहां तक पहुंचना है। हाँ जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, बहुत बढ़िया। और दीदी ऐसा देख भी पा रहे हैं, जैसे मैं देख पा रही हूँ ऐसा, मैं कि जब संबंध देखती हूँ सबके साथ में, मान लो तो ऐसा लगता है कि म्यूचुअल हैप्पीनेस दिखाई देती है वहां पे, सामने वाला भी ऐसा ही लगता है कि वो भी हमसे बात करना ही चाहता है, वो हेजिटेशन में नहीं कर पा रहा, आज हम बात को थोड़ा समझ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये हमारा परिवार का हिस्सा है तो हम इनिशिएटिव ले लेते हैं, और सामने वाला भी बिल्कुल हैप्पीनेस उसकी बिल्कुल दिखाई देती है, और हमारी तो होती है, चाहे वो ट्रेन में हो, काफी सावधानी पूर्वक होता है वैसे ही, कि नहीं हमारे का खा लेंगे या कुछ, तो दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम दूसरे से बात नहीं करते, हमें हेजिटेशन होता है, हमें लगता है दूसरा पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा तो हम अपने अपने अनुमान लगाते जाते हैं कि दूसरा ना शायद बात नहीं करना चाहता, वो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, उसको तो बहुत घमंड है, ये सब आइडियाज हम अपने डालते जाते हैं उसके अंदर, तो फिर हम एक अनुमान लगा के बैठ जाते हैं कि वो तो ऐसा ही है। लेकिन अगर हम देखने जाएं तो जितना हेजिटेशन हमारे अंदर हो रहा है, जितना हमें लग रहा है कि ना हम बात करें, दूसरा बात करे हमसे, उतना ही दूसरे को भी लग रहा होगा, तो हम वो नहीं देख पाते, हम अपना अपनी सिमिलैरिटी दूसरे के साथ नहीं देख पाते, हम अपना संबंध नहीं देख पाते, हम दूसरे को अलग देखते हैं, अपने से बहुत अलग, इसलिए फिर हम विरोध में आ जाते हैं, तो उससे निकलना होगा। हाँ जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक सेकंड की एक बात बता देती हूँ दीदी सिर्फ, कि मैं एक जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी पुराने एक अपना, तो वहां मैं स्टैंड था, वहां पर मैं 3 साल से खड़ी रहती थी अकेले, तब मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे, तो मेरे साथ एक और कोई दीदी खड़ी होती थी, लेकिन कभी हमने जाना ही नहीं संबंध सबके साथ है, हमें लगता था भाई जो हमारे कॉलेज में है, जो हमारे घर में, उन्हीं के साथ है। दीदी जब मैं समझ के आई तो उसके बाद में मैंने उनके साथ में जब बात की तो वो मुझे कहने लगी, अरे मैं भी आपसे बहुत बात करना ही चाहती थी, और दीदी हमारा इतना अच्छा समय गुजरता था चर्चा में, बस यही कहना था दीदी। थैंक यू दीदी जी। अच्छा तो दीदी ये पहले वाला जो मतलब पहले से पहले जो डिस्कशन था उसमें ये था कि ये भागीदारी जो है हमारी मतलब आराम से नजर आ जाती है विद अदर ऑर्डर्स जैसे फिजिकल बायो एंड एनिमल ऑर्डर, क्योंकि शायद उनमें चर्चा करने का संभावना नहीं है, वी डोंट हैव मतलब हम उनसे वार्तालाप नहीं करते हैं, तो हमारे को वो थोड़ा सा नजर आ जाता है, हम बियॉन्ड भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे चर्चा होती है मतलब लैंग्वेज में, वो भी जैसे अपनी लैंग्वेज है, जैसे सपोज किसी के साथ हमको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, क्योंकि मैं अभी दक्षिण भारत में हूँ, तो वो इंटरैक्शन कम हो जाता है उनके साथ, तो हम लोग फिर मतलब एक और तरीके से डायलॉग या एक और तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो
एक तो ये था दीदी, मतलब इसमें मेरा सोच मतलब रिफ्लेक्शन ही है इसमें, और दूसरी बात दो तीन बात आपका कंक्लूजन क्या निकला इसमें से? कंक्लूजन ये था कि जैसे हम लोग वी आर वन एंटिटी, लेट्स से आई एम मायसेल्फ बॉडी एंड आई, तो मेरा इंटरैक्शन विद अदर्स जो मेरा आगे जो बाकी यूनिट्स हैं उनके साथ तो हो ही रहा है ऑल द टाइम, मतलब चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं अपने घर में हूँ या घर से बाहर हूँ या देश से बाहर हूँ या अपने प्रोविंस से बाहर हूँ, वो तो चल ही रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन उसमें फर्क आ जाता है, मतलब एक ये भी बात है कि अलग अलग जगह में जाने में कि ये हमारे इंटरैक्शन में फर्क आता है। तो बात इंटरेक्शन की नहीं है, बात अपने अंदर भाव की है, है ना। अभी मेरा आपके साथ इंटरेक्शन ना भी हो, लेकिन सपोजिंग कोई है इंडिविजुअल अमेरिका में है, कहीं और बैठा है, हैं? अभी मैं उसके साथ बात भी ना करूं, उससे कुछ इंटरेक्शन भी ना करूं, बट मेरे अंदर उसके प्रति कोई भाव हो सकता है ना जी, हो सकता है। तो अभी जैसे हमने ये बात कही कि भाई किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कही, न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात कही, अब अगर मुझे अपना संबंध उसके साथ दिख रहा है तो मेरे अंदर उसके प्रति भी भाव वही होगा कि वो ना समझ है, उसको समझ की आवश्यकता है, लेकिन मुझे अपना संबंध फिर भी दिखेगा। लेकिन अगर मेरे अंदर विरोध का भाव है या मुझे अपना संबंध नहीं दिख रहा, मैं उसको अलग मानती हूँ, तो मुझे ऐसा दिखेगा कि ये तो देखो ऐसे लोग हैं, ये तो ऐसा सोचते हैं, इनको तो बंद कर देना चाहिए, इनको तो मार डालना चाहिए, ये लोग इतना बर्बादी करते हैं, इस टाइप का विचार आ सकता है ना। तो अब मेरे अंदर क्या भाव है वही प्रेडोमिनेंट है। लैंग्वेज अगर आप देखें तो एक बहुत छोटा भाग है। मैं आपको बताऊं कितने छोटे सारे बहुत से छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं जो अलग अलग प्रदेशों के होते हैं, मैंने बहुत क्लोजली देखा है इस बात को। अब वो एक दूसरे की भाषा नहीं बोल पाते, लेकिन भाव सही हो तो हमें अपना संबंध दिखता ही है, या ऐसा कहें कि संबंध दिखता है तो भाव सही होता ही है, फिर चाहे उसमें भाषा हो ना हो। अभी क्या हो रहा है कि हम जो प्लांट्स और जो ना जो फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर के प्रति हमारा जो हमें अपना संबंध दिखता है, या हम कहते हैं कि उनके साथ हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, वो इसलिए कि हर इकाई का दूसरी इकाई पर कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, और वहां से हमको कुछ डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं आ रहा, हमें सिर्फ वो जो सहअस्तित्व में है, जो डेफिनेट है, उसी का प्रभाव पड़ रहा है। तो वो तो ठीक ठीक ही लगेगा, हमारी अपनी जो स्टेट ऑफ हार्मनी है वो डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन अगर हमारा अपने अंदर भाव सही नहीं है और सामने वाला कुछ हमारे विचारों के से अलग कुछ कह रहा है, तब हमें अपने अंदर वो विरोध बढ़ता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारा ही भाव इंश्योर्ड नहीं है। हम अपने भाव को ठीक रखेंगे तो ये जो बाहर का प्रभाव है वो कम होने होता दिखेगा। ये बात दिख पा रही है आपको? जी दीदी, थोड़ा सा तो ये भी नजर आता है कि बच्चों में इनोसेंस होती है, उनमें अभी लेयर्स नहीं है, हालांकि हम लोग बड़ों को ऐसे खेलते हुए नहीं देखते एक दूसरे के साथ जैसे बच्चे। इंटरैक्शन तो अलग अलग ही होगा ना, बच्चे आपस में खेलते, मतलब वो आप बच्चे को देखिए, आपस में कुछ थोड़ा भी अनबन भी होती है तो नेक्स्ट सेकेंड वो भूल जाते हैं और फिर खेलने लगते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम वो बात को लेके सालों साल बैठे रहेंगे, वो उस बंदे से बात नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर इतना विरोध भरा हुआ है, और हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें। तो कैसे होगा जब तक हमारे अंदर भाव सही नहीं है, हम सुखी नहीं हो सकते। ये बात दिख जाए तो फिर ये दिखेगा कि भाई हमारा सुख तो हमारे ऊपर ही पूरी तरह डिपेंडेंट है,
दूसरा अगर ना समझ है और मैं समझता हूं कि मेरी समझ उससे ज्यादा है, तो फिर मैं अपनी भागीदारी देखूं कि मैं ही उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, क्योंकि दूसरे में तो समझ कम है ना। जी दीदी, दीदी एक और ऑब्जर्वेशन था, ऑलमोस्ट हो गया क्विकली। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। अभी जो भैया बात कर रहे थे पहले के एज अ टीचर, और मतलब अब जैसे अब UHV का जो वैल्यू है जो हमारे लाइफ में आ रहा है, वो हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम देख पा रहे हैं इस चीज को, लेकिन बाहर का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें लेट्स से अभी एडवर्टाइजमेंट्स के बिलबोर्ड्स होते हैं, या हम जिनको सेलिब्रिटीज मानते हैं और जिनको बताएंगे क्योंकि समय हो चुका, तो ये सब चीजें भी तो आसपास में हमारे हैं। दीदी कल भी ले सकते हैं इस बात को, नॉट ये थोड़ा सा शायद लंबा भी, मतलब थोड़ा वो हो सकता है। मुझे इन्फ्लुएंसेस जो आजकल हम लोगों पे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, यंग जनरेशन या ओल्ड पीपल है, तो मटेरियलिज्म पे ज्यादा है। इसी पे भी था कि वो भी को मतलब वो भी साथ साथ ही चल रहा है। हाँ, तो उसमें भी देखें, ये क्वेश्चन हम जब एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम पूछते हैं, सुख स्वभाव है कि प्रभाव है। अगर हम अपना सुख बाहर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो फिर इस सब से हमारे को प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर हमें ये दिखता है कि सुख हमारा स्वभाव है और हम उस स्वभाव के तहत अपना भाव ठीक रखें, तो फिर बाहर कुछ भी होने दीजिए, हम तो अपने अंदर सुखी हो सकते हैं, वो भी दिखेगा। जी, उस पर थोड़ा गौर करिए, बाकी आई थिंक कल ले सकते हैं।